सो हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए कॉमिक्स लेकर आए हैं जो है सामरी की ज्वाला, और ये सुपर कमांडो ध्रुव का एक विशेषांक है। तो यहाँ पर संख्या दी गई है 19 और मूल्य तो यहाँ 30 रुपये है। वैसे जो जैसे बाद में रीप्रिंट होकर आते रहते हैं तो इनके प्राइस बढ़ते रहते हैं। अभी इसका आई थिंक प्रिंट प्राइस 120 रुपये है। तो ये मेरे पास पुराने वाला वर्जन है, ये आप स्पाइन देख पा रहे हो इसकी। तो ये है सामरी की ज्वाला, और इसके मेन कवर पर हमें कौन दिख रहा है? हमें दिख रहा है ये चंडकाल पीछे खड़ा है, और ध्रुव सामरी, और ये है महामानव। तो यकीन मानिए दोस्तों, काफ़ी ज़बरदस्त कहानी इसकी स्टोरी लाइन थी, जो कि है मनीष गुप्ता जी के द्वारा प्रेजेंट, और अनुपम सिन्हा जी का इसमें स्टोरी और आर्ट वर्क है। तो काफ़ी यूनिक कंसेप्ट था यार, काफ़ी ज़बरदस्त कहानी की। एक ही स्टोरी के अंदर हमें चंडकाल भी देखने को मिल रहा था और साथ में देखने को मिल रहा था महामानव, और यह है सामरी। और इसका आर्ट वर्क तैयार किया गया है श्री प्रताप मुलिक जी के द्वारा। तो ये सारे आर्ट वर्क श्री प्रताप मुलिक जी के द्वारा ही तैयार किए जाते थे। तो चलिए देख लेते हैं, ये है सामरी की ज्वाला। कथा एवं चित्र है अनुपम सिन्हा जी का, सुलेख है सुनील जी का, और संपादन किया है श्री मनीष गुप्ता जी ने। तो ये मनीष गुप्ता और मनीष चंद्रगुप्त, ये दोनों एक ही नाम है। तो यहाँ बताया जाता है कि जीवन के कई रूप होते हैं, मनुष्य, पशु, पेड़ पौधे, और वे आकृतियाँ जिनको हम राक्षस, प्रेत और पिशाचों का नाम देते हैं। यह कंकाल, त्रिकाल और शाकाल से तुम लोग नहीं बच सकते। तो ये भी सभी धमकी दे रहे हैं ध्रुव और नताशा को। ध्रुव, मुझे बचाओ, मुझे डर लग रहा है। घबराओ मत नताशा, मैं तुमको कुछ नहीं होने दूंगा। तो भाई यहाँ पर कहानी होती है शुरू, और ये इसको पकड़ लेता है ध्रुव को, और काफ़ी मतलब कि चल इतने में, अच्छा यार यहाँ पर ध्रुव सपना ले रहा है, सपने में इतना खतरनाक सपना आया है सुपर कमांडो ध्रुव को। तो यहाँ ये तुरंत बात करता है नताशा से, कहता है तुम ठीक हो? नताशा कहती है मैं ठीक हूँ। तभी यहाँ पर ये देखो कौन दिख रहा है यार, ये है चंडकाल। चंडकाल जो कि स्वर्ण नगरी में कैद था, वहाँ से चंडकाल भाग आया है। तो ठीक है, अभी यहाँ पर ध्रुव घूम रहा है, सोच रहा आखिर ये चल क्या रहा है मैटर। तभी यहाँ पर एक चक्कर खुलता है, चक्कर में से बाहर आती है एक लड़की, और इसके पीछे हो जाती है यहाँ पर लड़ाइयाँ शुरू, धूम धड़ाका शुरू हो जाता है अभी यहाँ पर। और यहाँ पर ध्रुव अचानक बीच में आकर इन रोक रोकता है, और ये देखिए कैसे मतलब ये यहाँ पर ध्रुव की जान बनाई थी, लेकिन ये टायरों के, इस गाड़ी के टायर गल चुके हैं, और ऐसे प्रलयंकारी लपट कौन फेंक सकता है। तो ये है क्या नाम इसका, तो ये कहती, ये इसकी शक्ल भी नताशा से मिल रही है, और ये कहती है भी मैं राजकुमारी सबरीना हूँ, आपको प्रणाम करती हूँ। तो यहाँ पर ध्रुव भी अचंभे में है यार, आखिर चल क्या रहा है। तभी ये ध्रुव को मतलब इसकी बुद्धि कुछ करके इसको सारा दृश्य दिखा देती है, ज्वालामुखी का दृश्य दिखाती है, और यहाँ कुछ चल रहा है काफ़ी कुछ, और इसे ये सारा अनुभव करवाती है। तभी इस चक्कर में से बाहर निकलता है एक घोड़ा, और घोड़े पर बैठा है एक आदमी जिसका नाम है कालूगा, और कालूगा सीधे ही आते नताशा पर अटैक करता है, लेकिन ध्रुव बीच में आकर नताशा को बचा लेता है। लेकिन ये नताशा नहीं है, सिर्फ उसकी डुप्लीकेट कॉपी है, और यहाँ पर भयंकर लड़ाई होती है कालूगा की सुपर कमांडो ध्रुव के साथ। और यहाँ पर ये देखिए ध्रुव कैसे झटका दे देता है कालूगा को, और उसके प्रहार से भी बचता है, और कैसे उसकी उसी के घोड़े से उस पर अटैक करवा देता है, जिससे कालूगा हो जाता है बेहोश, और बेहोश होने के बाद ये राजकुमारी सबरीना वहाँ से भाग जाती है, और साथ में कालूगा और घोड़े को भी ले जाती है। तभी यहाँ पर ये चंडकाल यहाँ पर आ जाता है। तो ये सारा गेम चंडकाल के द्वारा खेला जा रहा है। यहाँ पर ध्रुव सिर्फ सोचने के सिवाय और कुछ नहीं कर पाता। तभी ये सीधा नताशा के ऑफिस में आता है, और नताशा के ऑफिस में चंडकाल इसके बॉस के ऊपर दिमाग पर हमला कर देता है, कब्जा कर लेता है, और यहाँ पर नताशा को बुलाकर कहता है कि तुम्हें एक ज्वालामुखी पर जाना होगा, और ध्रुव कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ ज्वालामुखी पर चलूंगा। और ये है भी सामरी, महायोद्धा सामरी, जिसके हाथ में शक्ति थी अमर ज्वाला की। तो ये थी सामरी की ज्वाला। इसके बाद भी यहाँ पर एक अद्भुत सा राक्षस आ जाता है, और ये राक्षस सीधा आकर सामरी पर हमला कर देता है, और यहाँ पर सामरी की भयानक टकराव होता है इस
राक्षस के साथ। और सामरी, ये राक्षस किसी दिमाग ही चाल के तहत यहाँ आया था, और जैसे ही ये साइड में से हटता और ये जो ज्वालामुखी इस पत्थर पर पड़ती है, पत्थर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, और वहाँ से निकलती हैं तीन शैतानी शक्तियाँ जिन्हें काफ़ी समय से यहाँ कैद किया गया था। वो तीनों शैतानी शक्तियाँ यहाँ से आज़ाद हो गई हैं, और इसका भी पता चल जाता है सामरी को कि ये मैंने गलती कर दी है। तभी यहाँ हेलीकॉप्टर में ध्रुव के साथ नताशा है, और ये तभी यहाँ पर चंडकाल का मानस रूप ध्रुव को देखता है और कहता है कि तुम स्वर्ण नगरी से बचकर निकल आए। मैं कहाँ निकला हूँ ध्रुव, मेरा शरीर तो अभी स्वर्ण नगरी में कैद है। ये तो यार इसने कुछ उल्टा गेम खेल रखा है, चंडकाल ने। स्वर्ण नगरी में इसका शरीर है, लेकिन इसका मानस रूप वहाँ से आज़ाद होकर यहाँ पर कुछ खिचड़ी पकाने के लिए आ चुका है। और ये देखिए यहाँ पर ये कंकाल, त्रिकाल, शाकाल इस हेलीकॉप्टर पर अटैक कर देते हैं, और अटैक करने के बाद इसके पंखे से कैसे मोड़ देते हैं यार, और मोड़ने के बाद भाई इसको ज़मीन पर फेंक देते हैं। और यहाँ पर जैसे ही ये ज्वाला, अच्छा तो यहाँ पर भी महामानव भी एक अंडे के अंदर कैद था। जैसे ही सामरी की ज्वाला अंडे पर पड़ती है, अंडा फूट जाता है, और 200 करोड़ साल की उम्र वाला महामानव भी यहाँ पर जाग जाता है। तो भी सामरी के साथ अब महामानव का भी टकराव होना निश्चित है। महामानव के बारे में जानने के लिए कॉमिक्स पढ़िए महामानव। और यहाँ पर ये कुछ सोच रहा है कि वहाँ कैसे इसके साथ एक डायनासोर भी था, और कैसे उस डायनासोर को एक एक अछूत से मानव ने कंट्रोल कर लिया था। और यहाँ पर महामानव पर प्रयोग चल रहा था, लेकिन महामानव ने बुरी तरह से क्या कुछ कर रखा था, सारा इसे याद आता है। और तभी यहाँ पर ये हेलीकॉप्टर नीचे गिरने वाला होता है, नताशा हो जाती है बेहोश, लेकिन किसी तरीके से नताशा को बचा लेता है सुपर कमांडो ध्रुव। और बचाने के बाद भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ये देखिए भयानक कुछ चल रहा है, और ये सारे इस पर अटैक कर देते हैं। अटैक करने के बाद भी यहाँ पर ये आ गया भाई, ये देखिए महामानव भी सामने आ गया, और महामानव की टक्कर सीधी होने वाली है सामरी से। और सामरी भाई सीधे महामानव पर अटैक कर देता है, क्योंकि वह देखता है कि तीन प्राणी तो वहां से निकल गए हैं, ये चौथा प्राणी कौन है। तो ये चौथा प्राणी महामानव है, जो कि 200 साल से अधिक साल से जिंदा है। लेकिन ये अपने मानस, ये भी महामानव भी सामरी के ऊपर अटैक कर देता है, और दोनों की काफ़ी खतरनाक जंग चल रही है। यहाँ पर ध्रुव फंसा हुआ है, और ये देखिए काफ़ी खतरनाक जंग चल रही है, धमाकेदार, तहस नहस। तो ये कंसेप्ट यार वाकई ज़बरदस्त थे यार, मज़ा आ जाते थे कॉमिक से पढ़ने के बाद यार। श्री अनुपम सिन्हा जी क्या कंसेप्ट लेकर आए करते थे। ये देखिए कैसे अटैक चल रहा है, और ये गांव वाले ध्रुव पर अटैक कर देते हैं। और यहाँ ये है, इसको पता है कि ये कुमार ध्रुव है, सबरीना को कहता है कि मैंने ही तुम्हें लाने के लिए भेजा था। और ये देखिए यहाँ पर जंग चल रही है, और ये इसकी आग जल रही है, काफ़ी कुछ बताता है, काफ़ी कुछ यहाँ पर प्लानिंग चल रही है। और यहाँ पर सामरी की और महामानव की टक्कर चल रही है यहाँ, जब यहाँ पर ये सामरी आ जाता है, और सामरी यहाँ पर गलत समझ लेता है कि ध्रुव उसके खिलाफ है, लेकिन ध्रुव उसके खिलाफ नहीं है। तो ये तो ध्रुव से ही भिड़ जाता है यार, काफ़ी तबाही मचा देता है सामरी। ये दिमाग से कम काम लेता है और अपनी शक्तियों से ज़्यादा काम लेता है, लेकिन ध्रुव इसकी शक्तियों को फेल कर देता है। तब सामरी भी यह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि एक आम आदमी ने यार मेरे जैसे महाशक्तिशाली सामरी को यार धूल चटा दी, तो ये काफी पागल हो जाता है। और इतने में यहाँ पर ये तीनों अटैक करने आ जाते हैं, और इसी के बीच में भाई ये तांडव मच रखा है, और तांडव के बीच में ये फंस चुका है भाई यहाँ पर ध्रुव बीच में। लेकिन ध्रुव है कोई आम इंसान नहीं है, जो अपना दिमाग का यूज करते हुए देखिए तीनों को कैसे खात्मा कर देता है। तीनों का खात्मा होने के बाद भी ध्रुव यहाँ पर ये महामानव भी बीच में आ गया, और इससे तो पता था कि यार यही इंसान है जिसकी वजह से मैं दोबारा कैद में गया था। तो महामानव भी यहाँ पर सुपर कमांडो ध्रुव के ऊपर भी अटैक कर देता है, और अटैक करने के बाद ये आपस में ही भिड़ जाते हैं एक दूसरे से। यार यहाँ तो पूरी तरीके से खिचड़ी पक गई है, और इस खिचड़ी को यार अनुपम सिन्हा जी ने बेहद कितने अच्छे तरीके से देखिए मैनेज करके रखा है। उन्हें पता है कि मुझे कहाँ पर कौन सा पॉइंट यूज करना है, और कहानी को कैसे एक नया दृष्टिकोण देना है। तो ये सब तो यार अनुपम सिन्हा जी के अलावा कोई और नहीं कर सकता है। और ये देखिए यहाँ पर ये चंडकाल ने सामरी के ऊपर ही अटैक कर दिया है, और उसके अच्छा यहाँ से भाग गया है, और ये महामानव के दिमाग पर कब्जा पाना चाहता है। चंडकाल से ये नहीं पता, ये महामानव है, ये कोई आम इंसान नहीं है, लेकिन फिर भी ये
यहाँ पर सामरी दोबारा से इसके ऊपर अटैक कर देता है सुपर कमांडो ध्रुव के ऊपर, लेकिन यहाँ पर ध्रुव बचते बचाते किसी तरह अपने एथलेटिज्म का परिचय देता है और आखिरकार फंसने वाला होता है। तभी यहाँ पर महामानव इसके ऊपर अटैक कर देता है और कहता है कि सुपर कमांडो ध्रुव को सिर्फ मैं ही पकड़ सकता हूँ, मैं ही उस पर अटैक कर सकता हूँ। तो ये अब इनकी आपस की जिद हो गई है कि इस ध्रुव को मैं ख़त्म करूँगा, ध्रुव को मैं ख़त्म करूँगा, और ध्रुव इसी का फ़ायदा उठाता है और इन दोनों के ऊपर अटैक करवा देता है। और उसके बाद भी ये देखिए सबरीना आ जाती है और ये अभी भी शायद उसी के वश में है। ये परी अटैक करता रहता है ध्रुव के ऊपर, अटैक करते करते ध्रुव को पता लग जाता है कि ये सामरी पागल हो गया है, अब इसका इलाज तो करना ही पड़ेगा। और इलाज करते करते ये देखिए पानी से इस आग को बुझा देता है। तभी यहाँ पर एक दरवाज़ा खुलता है और दरवाजे में हमें कौन देखने को मिलता है, ये है धनंजय। ध्रुव पूछता है धनंजय तुम यहाँ पर कैसे, तब धनंजय बताता है चंडकाल बंदी कक्ष से निकली एक मानस किरण को स्वर्ण नगरी से बाहर जाते देखा था। और उसके बाद ये देखिए दोबारा से ये इस आग को जला देता है धनंजय, और इसके बाद भी सारा मैटर सोल्व हो जाता है। और यहाँ पर सामरी भी ध्रुव से माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे ऊपर गलत प्रहार किया था, कभी सामरी भी तुम्हारी रक्षा करने आएगा, यह है वादा है इसका सामरी का। और इसके बाद ये धनंजय वापस चला जाता है और ध्रुव भी यहाँ से वापस चला जाता है। और उसके बाद जो महामानव था वो यहीं पर है और कहता है कि इसके आगे हम कुछ नहीं सुन सकते क्योंकि द्वार बंद हो चुका है। तो भाई महामानव तो यहीं पर है जिसे सामरी अपने यहाँ कैद करके रखेगा। तो ये थी भाइयों कॉमिक सामरी की ज्वाला, काफ़ी बेहतरीन कंसेप्ट, काफ़ी यूनिक कहानी बनाई गई थी श्री अनुपम सिन्हा जी के द्वारा। तो वो भी एक दौर था दोस्तों, कॉमिक्सों का दौर था जब गर्मियों की छुट्टियों में, और तो हमारे पास मोबाइल तो उस टाइम तो थे ही नहीं, मोबाइल ना कोई और अन्य साधन था मनोरंजन का, तो गर्मियों में ये कॉमिक्स लाकर हम पढ़ते थे। आपने भी ये कॉमिक्स रीड करी होंगी। तो अपने बचपने के लिए इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।